बिल्कुल, टेली रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहना क्या है, पिटना है उसमें कहने की क्या बात है, पर वही है, एक बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ है हिंदुस्तान की, जो कि बहुत ज़्यादा टीवी पे या फिल्मों में जो है जिसका कभी प्रचार हुआ नहीं है। तो एक छोटी सी कोशिश है कि उसको फोरग्राउंड में लाया जाए, फोरफ्रंट पे लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि ऐसे भी होली मनाई जाती है हिंदुस्तान में। तो देखते हैं कितने सफल होते हैं हम लोग। इक्वेशन तो बिना भांग के भी चेंज होने ही लगा है, लेकिन हाँ, भांग जो है एक एडेड इंसेंटिव होता है और भगवान बहुत ज़्यादा तेज़ है मुझे। लेकिन ये है कि हाँ, अब वो जो दीवार थी दोनों के बीच में, गुनी तरंबर के बीच में, थोड़ी बहुत तो कम से कम ढहने लगी है। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उस इलाके का रहने वाला हूँ नहीं, देखा बहुत है टीवी वगैरह पे, डॉक्यूमेंट्रीज में, लेकिन कभी खेलने का मौका नहीं मिला है। नहीं, देखिए, आप हद में रहकर अगर किसी भी चीज़ को करें तो एंजॉय करने का भी एक तरीका होता है। आप मर्यादाओं में रहें और आपका हाल ऐसा ना हो कि मतलब आप खुद ना एंजॉय कर पाएँ, लेकिन बाकी सारे आपको देख के एंजॉय कर रहे हो, तो उस वाले सिचुएशन से हमेशा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बच के रहूँ। देखिए, ये गाना जो है ना, जैसे यहाँ हमें जैसे ही पता चला कि आज के सीक्वेंस में हमें एक गाने पे डांस करना है, होली के गाने पे डांस करना है, तो सबसे पहले मेरे और उसके दोनों के मुँह से ये निकला कि जय जय शिव शंकर। मतलब उससे ज़्यादा बढ़िया गाना आई डोंट थिंक एक होली से एसोसिएटेड वो है, या फिर वो अपना अमित जी का जो गाना है वो है। तो हम दोनों को ये गाना मतलब रटा हुआ है, मतलब आंख बंद करके नींद से उठा के आप कहेंगे गाना बोल, हम दोनों को आता है। तो हम दोनों बहुत खुश थे ये गाने पे डांस करते हुए, इसलिए एक बार जो उन्होंने गाना लगाया, हम सब ने एक साथ वन टेक पूरा गाना ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको शायद गाना याद नहीं था, वो गाना बीट सुन सुन के कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा हम दोनों ने कि जब तक वो सोच रहे हैं तब तक हम ख़त्म कर चुके थे अपना, तो हमने कहा छोड़ दो, हम अपना करते हैं, आप अपने डांसर्स को करो। तो पीछे वो डांसर्स कर रहे थे और हम अपना किए जा रहे थे, बिकॉज हमें पूरा गाना बीट, हर म्यूज़िक, कौन से म्यूज़िक के बाद कितना, कौन सा म्यूज़िक आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, हम दोनों को मतलब पूरा रटा हुआ है। इसे तो खैर बॉलीवुड के सारे गाने रटे हुए रहते हैं, मैं बेचारी यही गाना रट के बैठी हूँ। प्योर रंग नहीं ले जाके खरीदेंगे हम, पानी वेस्ट नहीं करेंगे, उस दिन नहा ज़रूर लेंगे, तो नहाते वक्त हैप्पी होली बोल लेंगे और वो भीग के फ्रेश होके हम वापस आएंगे, हम फिल्में देखेंगे, हम स्वीट्स खाएंगे, हम लड्डू खाएंगे, हम वो कल क्या व्हाट इज़ इट कॉल्ड, गुजिया खाएंगे, सिवैयाँ खाएंगे, मापूड़ियाँ बनाएंगी वो खाएंगे, घर में बोर्ड गेम्स खेलेंगे, हम मूवीज़ देखेंगे, सारे के सारे घर में रहेंगे। ये एक ही टाइम है जब मेरी बेटी जो कि एक टीनेजर है, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है जब भी उसकी छुट्टी होती है। ये पहला टाइम है कि वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर में रह जाती है। जब वो घर में रह जाती है तो हमें पूरा टाइम मिलता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि होली है, ठीक है, रंग खेलो, लेकिन ज़्यादा एनवायरनमेंट को गंदा ना करो, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करो, बाहर जाके क्यों ट्रैफिक बढ़ाना, क्यों जाके बाहर पोल्यूशन बढ़ाना, घर में रहो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, बच्चों को प्यार दो, घर में अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ और होली मनाओ। हैप्पी होली एवरीवन।